हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन रचनास किचन। आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही हेल्दी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि है मिलेट खिचड़ी, यानी कि समा खिचड़ी, जो कि हम बनाएंगे मूंग की दाल के साथ। और माइंड इट, ये बिल्कुल ऑयल फ्री है। इसमें हमने ना ही ऑयल का यूज़ किया है और ना ही घी का यूज़ किया है। जो वेट वॉचर्स होते हैं मेरी तरह, वो इस खिचड़ी को ज़रूर पसंद करेंगे। आप भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी मिलेट खिचड़ी। आज जो मिलेट खिचड़ी हम बना रहे हैं, वो बना रहे हैं लिटिल मिलेट यानी कि समा से। और मूंग की दाल मैंने ली है, एक कटोरी समा और आधी कटोरी दाल। तो इन दोनों ही चीज़ों को हम पानी में भिगो के रखेंगे, पहले वॉश करेंगे 3-4 पानी से, उसके बाद हम इसे भिगो के रखेंगे 10-15 मिनट के लिए, ताकि दोनों ही चीज़ें अच्छे से फूल जाए। खिचड़ी के लिए हमने जो वेजीज कट करके रखी हैं, वो है बीन्स, फ्रेंच बीन्स, पीज, मटर और ग्रेटेड कोकोनट, चॉप्ड कैरेट, कॉलीफ्लावर यानी कि गोभी और हरा धनिया बारीक कटा हुआ। पहले हमने एक पैन को गर्म करने रखा है और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच मस्टर्ड सीड यानी कि राई। फिर उसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच जीरा और इन दोनों चीज़ों को रोस्ट करेंगे। ड्राई रोस्ट करना है और जो गैस की फ्लेम है वो बिल्कुल मीडियम रखेंगे, बहुत हाई नहीं रखेंगे, नहीं तो ये दोनों चीज़ें जल्दी से जल जाएंगी। जीरा और राई अच्छे से भुन गया है, बहुत अच्छे से खुशबू भी आने लगी है। इस टाइम पे मैं ऐड करूँगी जो भी वेजीज हमने कट करके रखी थी वो, जैसे कि सबसे पहले हमने ऐड किया गाजर, फिर हम डालेंगे बीन्स, फिर पीज, फिर ऐड करेंगे गोभी। ये सभी वेजीज को पहले अच्छे से वॉश कर लिया था मैंने कट करने से पहले ही, और अच्छे से इनको एक स्टर दे देंगे। बस ये अच्छे से स्टर हो चुकी है, अब इसे हम कवर करके 5-10 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। ज़रूरत पड़े तो पानी भी आप ऐड कर सकते हैं। 4-5 मिनट हो गए हैं और हमारी वेजिटेबल्स भी ऑलमोस्ट डन हैं। अब इस स्टेज पे मैं सॉल्ट ऐड करूँगी अकॉर्डिंग टू आवर टेस्ट। और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके फिर ढक के रख दूँगी, बिल्कुल गला लेंगे इन सब्जियों को। और बस ये 4-5 मिनट में ऑल इन ऑल सारी सब्जियां अच्छे से गल जाएंगी। जब तक हमारी वेजीज हो रही हैं, मैंने सोचा कि मैं दाल और जो समा है उसको चेक कर लूँ। बहुत अच्छे से ये फूल गया है, अब ये पानी को हम स्ट्रेन आउट करके रख देंगे। 5-7 मिनट हो गए हैं और हमारी वेजिटेबल्स भी अच्छे से पक चुकी हैं। अब जो वेजीज हमने पकाई हैं उसमें हम जो दाल और मिलेट हमने भिगो के रखा था, वॉश करके रखा था, वो ऐड कर देंगे और अच्छे से स्टर करेंगे। और इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच गरम मसाला। अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी। अब देखिए, पानी का ऐसा है कि जितना हमने क्वांटिटी का मिलेट और दाल लिया था उससे डबल क्वांटिटी हमें डालना है। जैसे कि हमने 1 कटोरी मिलेट और आधी कटोरी दाल ली थी, यानी 1.5 कटोरी ऑल इन ऑल, तो पानी मैं डालूंगी 3 कटोरी, बिल्कुल एग्जैक्ट डबल कटोरी हम पानी डालेंगे। फिर इसको कवर करके हमें पकाना है। 7-8 मिनट हो चुके हैं और देखिए आप, हमारी जो खिचड़ी है वो भी बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो चुकी है। सारी वेजीज बहुत अच्छे से पक चुकी हैं और दाल भी पक चुकी है। अब हम ऐड करेंगे फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट और बस हमारी खिचड़ी रेडी टू सर्व है। थोड़ा सा मैं इसमें कोरिएंडर जो हमने चॉप करके रखा था वो भी ऐड कर दूंगी। और बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है और हमारी खिचड़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। गर्मा गर्म आप इसको इंजॉय करेंगे। आई होप आप ये रेसिपी ज़रूर बनाएंगे और मुझे बताएंगे कि कैसी बनी थी आपकी मिलेट खिचड़ी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।